थोड़ा देरी से ही सही, लेकिन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन गाड़ी होंडा की ओर से आने वाली 150 और 200 सीसी सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियाँ आ रही है उनके बीच का गैप भरने का कहीं ना कहीं होंडा ने ट्राई किया हुआ है। और मार्केट रिव्यू भी यही कहता है कि कुछ हद तक ये गाड़ी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। मैं लेकर आया हूँ इस गाड़ी के बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ वॉक अराउंड रिव्यू। अगर आप पर्टिकुलर इसी गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके काफ़ी काम आने वाला है वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको ज़रूर पता चल जाएगा ये आपके लिए बनी हुई है या फिर नहीं। मैं आया हूँ वाघोली के होंडा शोरूम में, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप कॉल करके इनके शोरूम पर इंक्वायरी कर सकते हो, ऑन रोड प्राइस जो भी है आकर विजिट कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं इस गाड़ी का वॉक अराउंड। सबसे पहले जब आप इसके फ्रंट से देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलता है, और यहाँ पे ये काफ़ी खूबसूरत सा हेडलाइट जो है माउंट करा गया है। इसके साथ यहाँ हॉर्नेट की बैजिंग लगाई गई है, एक्चुअली यहाँ की नंबर प्लेट आ जाती है। इसी के साथ आप यहाँ देखोगे तो यहाँ रैप्सोल का जो ब्रांडिंग है वो दिखता है, और काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिशिंग इस गाड़ी में आपको मिल रही है। यहाँ पर यह जो है पूरी तरह से ब्लैक है, और पीछे आपको मैट फिनिश ब्लैक देखने को मिलती है। और इसी साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा ये ऑरेंज कलर का अलॉय व्हील देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक जो है नज़र आ रहा है। और ये आपका फ्रंट टायर देखने को मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में आपको जो हेडलैम्प मिल रहा है ये पूरी तरह से एलईडी का मिल रहा है, और जो इंडिकेटर्स आप देखोगे ये हज़ार्ड स्विच का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। अगर मैं इसे ऑन करूँ, यहाँ इसका इग्निशन है, तो ये दोनों एक साथ ब्लिंक करते हैं, दैट इज़ हज़ार्ड स्विच। इसका मतलब है कि अगर आप किसी बारिश में चल रहे हो तो ये सेफ्टी फीचर के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है दोनों साइड में। इसके अलावा अगर आप यहाँ फ्रंट में देखोगे जो इसके सस्पेंशंस हैं, आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशंस देखने को मिल रहे हैं, और ये गोल्डन कलर के साथ और भी अच्छे उभर कर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग यहाँ लग रही है। इसी के साथ जो हेडलाइट के आसपास का जो एरिया है उस पर भी आपको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर ये जो रेड स्ट्रिप है इसके लुक को और भी अच्छा जो है उभर कर नज़र आता है। यहाँ पे भी फिनिशिंग आप देखोगे बेहतरीन लग रही है। इसके अलावा ये फ्रंट लुक कुछ इस तरह से यहाँ आपको देखने को मिलता है। अब आइए बात करते हैं इसके टायर्स की, और इसके जो यहाँ डिस्क आपको मिल रही है इसकी, तो यहाँ पे आपको फ्रंट टायर जो मिल रहा है ये ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, 110/17 जो इसका साइज़ है वो मिल रहा है। ये 17 इंचेस का टायर आपको यहाँ मिल रहा है, और वही ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। यहाँ पे 276 mm की जो डिस्क है वो देखने को मिलती है। वैसे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस नो डाउट इसका काफ़ी अच्छा है, मैंने कुछ वक्त पहले इसको टेस्ट किया था। यहाँ पर आपको ABS की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर डिस्क आपको लगाई हुई है, ये ABS की कुछ डिस्क आपको यहाँ मिल रही है, और ये पूरी डिस्क काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे लग रही है। साइड में ये रिफ्लेक्टर यहाँ लगाए हुए हैं, जो काफ़ी अच्छी सेफ्टी फीचर यहाँ पे माने जाते हैं। वहीं अगर आप साइड से देखोगे पूरी की पूरी गाड़ी को, तो ये साइड लुक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। ये बड़ा सा ब्रांडिंग यहाँ रैप्सोल का, हॉर्नेट रैप्सोल का देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो रेड कलर है फिनिशिंग इसमें बेहतरीन लग रही है, और यही आप देखोगे तो होंडा का लोगो भी यहाँ पे लगाया गया है। इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है काफ़ी अच्छे से नज़र आता है। ये आपका इंजन पार्ट आ जाता है यहाँ पे, इसकी जो बात है वो करेंगे ही हम आगे। आइए बढ़ते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये इस तरह से नज़र आता है। अब अगर यहाँ पे बताऊँ मैं, इग्निशन यहाँ आपको इस तरह से दिखता है, चाबी आपको इस तरह से नज़र आती है, कुछ दो चाबियाँ है मेरे पास, एक के ऊपर होंडा का लोगो लगाया हुआ है और इसे यहाँ से लगाया जाता है। जैसे आप इसे ऑन करते हो ये फुल स्वाइप मारता है यहाँ से, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है। अभी दोनों इंडिकेटर्स ऑन हैं एक साथ, जैसे मैंने कहा अभी थोड़े टाइम पहले कि हज़ार्ड स्विच का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ये है अभी गाड़ी न्यूट्रल पे है। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ऑफकोर्स यस ABS का लाइट देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये आपका किलोमीटर पर हावर का जो है स्पीड देखने को मिलता है, यहाँ फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलता है, ये गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपका RPM मीटर देखने को मिलता है। मतलब काफ़ी क्रिस्टल क्लियर जो ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ यहाँ की जो आसपास की फिनिशिंग है, अभी थोड़ा सा अंधेरा है इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखेगा शायद, लेकिन फिनिशिंग काफ़ी बेहतरीन लगाई गई है।
आफ्टर ऑल होंडा है, होंडा की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, बेहतर होती है। बस वही नज़ारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको तो ये स्विचेस की क्वालिटी भी नो डाउट काफ़ी अच्छी है। ये यहाँ पे आपको हेडलाइट का अपर डिपर मिल जाता है, ये टर्न इंडिकेटर्स है, ये आपका हॉर्न का देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपका इंजन किल स्विच, आफ्टर ऑल यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच देखने को मिलता है। इस गाड़ी की एक खासियत है कि यहाँ पे ड्यूअल थ्रोटल आपको देखने को मिलता है, यानी कि पिकअप, इनिशियल पिकअप नो डाउट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। इस साइड से आप देखोगे तो यहाँ आपको हैंडल का जो बार है वो देखने को मिल रहा है, इसी साइड भी वही जो मिरर्स है वो भी काफ़ी अच्छी सी फिनिशिंग यहाँ पे है। रियर साइड में भी आपको देखने को अच्छा मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से फिनिशिंग आपको नज़र आती है, ये कार्बन फिनिशिंग है और नो डाउट यहाँ मिरर भी काफ़ी अच्छे से डिसेंट से आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आओगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो देख रहे हो आप, ये काफ़ी बेहतरीन और एक मॉस्कुलर सा लुक इस गाड़ी को दिलाता है। इसका ये रैप्सोल एडिशन इस साइड में भी लिखा है और यहाँ नीचे होंडा का 2.0 जो बैजिंग है वो लगाया गया है, वापस से यहाँ होंडा का एक लोगो लगाया गया है, यानी स्टिकरिंग काफ़ी अच्छे से यहाँ लगाई गई है, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे ये जो फिनिशिंग नज़र आ रही है ये भी काबो फिनिशिंग है, हालांकि है ये प्लास्टिक लेकिन नो डाउट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक एरिया आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये जो पूरी गाड़ी है यानी कि इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, यहाँ आप देखोगे तो ये 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों के राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, तरह तरह की बातें होती है। नियर अबाउट 50-55 के आसपास का आपको जो है माइलेज मिल सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं इसके इंजन की, इसके दिल की। अब ये 180 का, जैसे मैंने कहा 150-160 सीसी से लेके 200-220 सीसी के बीच का ये एडिशन है, तो मार्केट की ये एक कमी थी जो होंडा ने भरकर निकाली है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो इंजन है 184.40 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिल रहा है। आपको CSE FI के साथ आ रहा है, BS6 इंजन ये है, इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जो ये इंजन है ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 17.26 PS का एट द रेट 8500 RPM पर, और जो मैक्स टॉर्क है वो 16.1 NM का एट द रेट 6000 RPM पर। इस गाड़ी में आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, इसे आपको नीचे से और ऊपर से ऐसे अप एंड डाउन करना रहेगा। वही अगर कुछ इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है, यानी कि ये नीचे से का पूरा का जो डिस्टेंस है ये आपको 167 mm का देखने को मिल रहा है। और ये पूरी जो गाड़ी है इसका जो व्हील बेस है 1355 mm का ये पूरा का पूरा व्हील बेस आपको देखने को मिल रहा है। इस गाड़ी का कर्व वेट आपको 142 kg का देखने को मिल रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है अगर आप पूरा कैलकुलेशन कराओगे तो बॉडी टू वेट रेशो या कह लो या फिर पावर टू वेट रेशो इसमें नो डाउट बेहतर आपको देखने को मिल रहा है कंपेयर टू अदर्स जो है, इसके मुकाबले कई हद तक आपको बॉडी टू वेट रेशो, पावर टू वेट रेशो अच्छे से देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा इसमें आपको ड्यूल वायर थ्रोटल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से भी इनिशियल पिकअप इसका काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है, जो एक अच्छी चीज़ है। तो होंडा की गाड़ियाँ एक्चुअल होती ही ऐसी है और इसमें आपको इनिशियल पिकअप भी बेहतर ही देखने को मिल रहा है। इसके बाद चलते इसके रियर प्रोफाइल पे। वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो पिलियन के लिए जो सीटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है, फुट रेस्ट यहाँ दिया है जो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, यहाँ आप देख पाओगे। इसके अलावा जो राइडर है उसके लिए भी फुट रेस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो हाफ चेन को कवर करता है, नीचे से इसकी चेन थोड़ी सी आपको खुली नज़र आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे साड़ी गार्ड है जो कि नॉर्म्स इंडिया में वो देखने को मिल रहा है। तो अगर सिंगल साइड कोई बैठ रहा है तो यहाँ से उसके पैर यहाँ पे आएगी, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छी अपराइट सीटिंग पोजीशन यहाँ पे मिल रही है, जो यहाँ बैठेगा यहाँ से उसके हाथ वहाँ जाएगी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नज़र आती है। तो लॉन्ग राइड हो, शॉर्ट राइड हो, सिटी राइड हो या फिर ख़राब रास्तों पर चलना हो, आपको गाड़ी कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। अब अगर मैं इसके रियर लुक की बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। रियर लाइट मिल रहा है, ये LED का मिल रहा है, इंडिकेटर्स भी आपको LED के मिल रहे हैं, और जो रियर सस्पेंशन से आपको मोनोशॉक देखने को मिल रहे हैं जो कि यहाँ पे है, इस साइड में आपको शायद दिखेंगे, तो ये है। वैसे मोनोशॉक सस्पेंशन से परफॉर्मेंस इनका भी काफ़ी अच्छा होता है,
इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो रियर का पूरा टायर है ये आपको देखने को मिलता है लगभग 140/70 सेक्शन का, 17 इंचेस का, ये भी आपको ट्यूबलेस मिल रहा है। इसके जो थ्रेड्स है काफ़ी बढ़िया है, रेसिंग ट्रैक पर हो या फिर नॉर्मल रोड पर चलाने के लिए इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। और ये जो डिस्क है ये आपको 220mm की देखने को मिल रही है, अगेन पेट्रोल डिस्क और ईयर, तो वो भी अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी में आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, इसके साथ आपको सर्विस व्यू इंडिकेटर्स जो यहाँ पे आपने देखा वो मिल रहा है, डिजिटल पूरा का पूरा ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इसमें मिल रहा है, पास लाइट पास स्विच मिल रहा है, डिजिटल क्लॉक मिल रही है। इसके साथ आपको सीट लेंथ जो है वो पूरी की पूरी इस साइड से आप देखोगे 590mm की मिल रही है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। हजार स्विच जैसे मैंने कहा वो मिल रहा है, इंजन किल स्विच आपने देखा ही वो मिल रहा है इसमें। तो ये पूरे के पूरे फीचर्स और ये सारी की सारी जो गाड़ी है जो देखोगे आप, ये आपको एक शोरूम दिल्ली के, मैं प्राइस बता रहा हूँ, 128,000 से लेकर के 130,000 तक की जो है पूरी की पूरी गाड़ी मिल जाएगी। तो लगभग सभी चीज़ों के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में मैंने इस गाड़ी के बारे में आपको बता दिया है, पूरी गाड़ी का वॉक अराउंड रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर इस गाड़ी को आप ख़रीदना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो इस शोरूम की जो डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप उसे इन्हें कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी के बारे में और जानकारी ले सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएँ पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।